अस्सलाम वालेकुम। हेलो सिस्टर्स, कैसी हैं आप? ये सुबह का टाइम है और हम चाय बना रहे हैं, और चाय हम अपने हस्बैंड और अपने लिए खाली बना रहे हैं, और बच्चे हमारे सो रहे हैं क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बच्चे लेट उठते हैं, वरना स्कूल जाते थे तो जल्दी उठ जाते थे। और मौसम तो आजकल बहुत अच्छा है, आज का खासकर ज़्यादा अच्छा। वैसे तो गर्मी पड़ रही थी, लग रहा है आज बारिश होने वाली है, और इसीलिए हमने सोचा है कि आज हम पकौड़ी बनाते हैं। बच्चे उठ जाएं तो पकौड़ी बनाएं, तो बच्चे हमारे उठ चुके हैं, तो ये सामान हमने सब तैयार कर लिया है और अब हम पकौड़ी बना रहे हैं। देखिए, सब बस ये है कि मटेरियल जो है थोड़ा सा अच्छा, और प्याज है, और ये प्याज आलू है, ये थोड़ा सा अच्छे चॉप होने चाहिए, जब भी पकौड़ी का लुक भी अच्छा आता है और बिल्कुल क्रिस्पी बनती हैं। ये देखिए, सब हमने ये पूरा सामान इसमें मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से, और ये देखिए प्याज भी बिल्कुल महीन कटी होनी चाहिए और आलू भी बिल्कुल महीन कटे होने चाहिए, बिल्कुल एक ही शेप में होने चाहिए, वरना ये देखिए, ये धीरे धीरे हम पकौड़ी इसमें बनाते जाएंगे, डालते जाएंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम पे पहले रखेंगे ताकि अंदर अंदर से कच्ची ना रह जाए। अगर हम इसकी फ्लेम हाई कर देंगे तो ये अंदर से तो कच्ची रह जाएगी, ऊपर से पक जाएगी, ऊपर से कलर भी आ जाएगा लेकिन अंदर से बिल्कुल जो है कच्ची हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल ये जब ये पक जाएगी लो फ्लेम पे, तो फिर हम बाद में जब इसको हाई फ्लेम पे कर देंगे इसको, तो ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी और कलर भी इसका बहुत ही अच्छा आ जाएगा, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन आ जाएगा। देखिएगा अभी जब बन के तैयार होगी, ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी और गोल्डन बिल्कुल हो गई, गोल्डन ब्राउन कलर आया है, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में भी ये। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे, ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है, बिल्कुल कलर भी बिल्कुल बहुत ही अच्छा आया है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको रेसिपी ये कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़ सिस्टर्स। और अब खाना हमने बनाने के लिए रख दिया है, और आज ऐसे ही नहारी सोचा, नहारी बना लें, और ये इसमें चावल है, देखिए ये देखिए चावल तो बन के तैयार हो गए और निहारी अभी बन रही है। देखिए खाना हमारा अब तैयार हो चुका है, और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी।